हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसके एक्सपर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्लो लाइन व्हाट्सअप स्टेटस की वीडियो गाइस आप कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस तरह के स्टेटस वीडियो गाइस बनाने के लिए आपको करना है कि इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते रहना है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या, काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, मोबाइल को होम स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहां पे गाइस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि किस तरह से आप इस तरह का ग्लो लाइन व्हाट्सएप स्टेटस का वीडियो बना सकते हो। तो गाइस, यहां पे आ चुका हूं मैं अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन में और यहां पे इस तरह के स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन का नाम है काइन मास्टर। तो बहुत सारे भाई मुझे ये बोलते रहते हैं, भाई ये वाटरमार्क कैसे हटाए। तो गाइस, अगर आप इस काइन मास्टर को डाउनलोड करोगे तो इन एनिमेशन और जितने भी गाइस वाटरमार्क जो भी प्रॉब्लम है आपको ये काइन मास्टर सॉल्व कर देगा। सभी फीचर अनलॉक है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइस, यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले इस काइन मास्टर को हम ओपन कर लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे ओपन कर लेता हूं काइन मास्टर को और यहां पे गाइस प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे और यहां से गाइस 9.16 की रेसो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में गाइस यहां पे सेटिंग के ऑप्शन पे आ जाना है, एडिटिंग के ऑप्शन पे चले आना है। नीचे आप स्लाइड करोगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा फिल स्क्रीन का, इसको क्लिक कर देना गाइस। यहां पर क्लिक करने के बाद में ऊपर चले जाना है गाइस और यहां पर आपको 3 ऑप्शन है, 3 है, इसको 3 पे क्लिक करके डन कर देना है। उसके बाद में गाइस यहां पे आपके अपनी गैलरी दिख जाएगी, गैलरी से आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो से आप स्टेटस वीडियो गाइस बनाना चाहते हो। तो एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स, यहां से मैं कुछ फोटोज को सिलेक्ट कर लेता हूं। आप जितने भी फोटो सिलेक्ट करना चाहते हो अपने हिसाब से गाइस यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर गाइस कुछ 10-12 फोटो को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और फोटो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा इस फ्रेम में। अगर बाय चांस कोई फोटो आपकी इस फ्रेम में फिक्स नहीं होगा तो आपको करना क्या है, इस फोटो पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पैन एंड जूम के ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देना गाइस। जैसे इसको क्लिक करोगे तो इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए पहले आपको इसको क्लिक कर देना गाइस और दोनों फिंगर से, दोनों उंगली से आपको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है फोटो को और यहाँ पर ऐसे करके फिक्स कर लेना है, ठीक है। तो फाइनली गाइस, जो हमारा वीडियो है देखिए अच्छे तरह से फिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें लगाना है ट्रांजैक्शन इफेक्ट। तो गाइस, ग्लो लाइन नाम का गाइस ट्रांजैक्शन इफेक्ट है। अभी मैं जैसे प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा, नीचे स्लाइड करूंगा गाइस, यहां पर ग्लो लाइन नाम का है, इसको क्लिक करके 0.1 कर देते हैं, ठीक है। इसकी जो स्पीड है गाइस 1.5 ही रहने देना है। फिर आपको फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, सॉरी गाइस, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको ग्लो लाइन वाले ऑप्शन पर चले आकर 0.2 कर देना है। तो गाइस, कुछ इसी तरह से इस ट्रांजैक्शन इफेक्ट को गाइस आपको अपनी वीडियो में लगा लेना है और जितनी गाइस आप फोटो सिलेक्ट करोगे ना, इस सारे फोटो में आपको कुछ इस तरह से इस इफेक्ट को लगा लेना है। तो गाइस, यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो बहुत सारे भाई को ये पता नहीं है कि ये डाउनलोड कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल के इंटरनेट को ऑन करके रखना है और यहाँ पर जैसे आप प्लस के आइकन पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो ये ट्रांजेक्शन इफेक्ट दिख जाएंगे और ये जितने भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट है गाइस मैंने पहले से डाउनलोड करके रख लिया है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो ग्लो लाइन वाले को तो इसको देख सकते हो, इसके नेम आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको नीचे गेट मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस यहाँ पर क्लिक कर दो तो नीचे आपको स्लाइड करना है, वाइप नाम की जो ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इसके क्लिक करोगे तो यहां पे चौथे नंबर पे यानी फोर्थ नंबर पे आपको ग्लो लाइन वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसको क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करने के बाद में गाइस यहां पे डाउनलोड की ऑप्शन दिखेगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो यहां पे इंस्टॉल आ जाएगा, ठीक है। अभी गाइस मैंने पहले से इसको डाउनलोड कर लिया था इसलिए गाइस यहां पे एक एक करके मैं लगा देता हूं। अभी देखिए गाइस, फाइनली हम जो हमारा स्टेटस है कुछ इस तरह से गाइस काफी शानदार दिख रहा है। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है गाइस, यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पे साइड में क्लिक करोगे तो देख सकते 289 है, इसको आपको 300 कर देना है, 300 करना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद में गाइस दूसरी जो फोटो गाइस इसको भी क्लिक करके 300 कर लेना है। तो गाइस 300 मैंने किया था अपनी फोटो को, तो गाइस यहाँ से इसको भी कर देता हूँ। जितने भी गाइस आप फोटो सिलेक्ट करोगे ना सबको गाइस 300 के आसपास कर देना है, उससे कम नहीं करना है गाइस, नहीं तो आपकी जो वीडियो गाइस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी तो गाइस आपको जो म्यूजिक है उसके साथ में फिट नहीं होगा और वीडियो गाइस काफ़ी शानदार उतनी नहीं दिखने वाली है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, इसको मैं थोड़े से आगे कर देता हूँ, 300 कर देता हूँ। तो गाइस अब क्या
क्या करना है, सिंपली यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हम इसको कर देते हैं। अभी गाइस आपको क्या करना है, वीडियो के स्टार्टिंग में आके फिर से लेयर को ऑप्शन पे आ जाना है, मीडिया को ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से गैलरी में आ जाना है। गैलरी से गाइस फिर से एक यहाँ से टैंपलेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस वाली टैंपलेट को इसको फुल स्क्रीन कर देना है। गाइस थोड़ी सी आगे आ जाता हूँ और यहाँ पर इसकी म्यूजिक को मैं म्यूट कर देता हूँ ताकि मेरी वॉइस आपको सुनाई दे। अब इसी टैंपलेट पर गाइस क्लिक कर देना है, जैसे आप क्लिक करोगे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, इसको क्लिक कर देना है। देन गाइस यहाँ पे स्क्रीन की ऑप्शन को इनेबल कर देना है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमारा स्टेटस कुछ इस तरह से हो चुका है। अब इसमें और भी हमें टैंपलेट को यहाँ पे ऐड करना है। तो गाइस फिर से आपको क्या करना है, वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर के ऑप्शन में, मीडिया के ऑप्शन में और फिर से गाइस गैलरी में जाता हूँ। गैलरी से गाइस यहाँ से फिर से हम एक टैंपलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये टैंपलेट भी काफ़ी शानदार टैंपलेट है। तो गाइस यहाँ पर नीचे गैलरी में आ गया हूँ और गैलरी से गाइस इस वाले टैंपलेट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको अभी आपको ऐसे करके रोटेट कर लेना है, रोटेट करने के बाद में इसको जूम कर लेना है कुछ इस तरह से। जूम करने के बाद में इसकी म्यूजिक को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। जैसे बंद कर देंगे उसके बाद में फिर से आपको इसी टैंपलेट पर क्लिक कर देना गाइस। नीचे आपको फिर से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है। नीचे देखिए स्लाइड करोगे तो ब्लेंडिंग की ऑप्शन मिल जाएगी, इसको क्लिक करके स्क्रीन की जो ऑप्शन इसको इनेबल कर देना है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर जो स्टेटस देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अभी गाइस आपको जितने भी मटेरियल है कहाँ से डाउनलोड करोगे सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, सॉन्ग कहाँ से डाउनलोड करना है, ये टैंपलेट सब कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन गाइस उससे पहले वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अभी फ्रेंड्स फिर से लेयर पर आ जाना है, मीडिया पर आ जाना है और यहाँ से गाइस फिर से गैलरी में आता हूँ और गैलरी से गाइस एक ब्लैक स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे सिलेक्ट कर लोगे इसको फुल स्क्रीन कर देना है। गाइस फुल स्क्रीन करने के बाद में इसकी ड्यूरेशन को वहाँ तक बढ़ा देते हैं जहाँ तक अपनी स्टेटस है। फिर से ब्लेंडिंग ऑप्शन में आके स्क्रीन की ऑप्शन को इनेबल कर देना है। तो गाइस देखिए हमारा स्टेटस कुछ इस तरह से बन चुका है जो काफी शानदार गाइस इफेक्ट भी दे रही है और म्यूजिक के साथ में गाइस काफी शानदार ये वीडियो दिखने वाली है और बहुत आसान तरीका है गाइस इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना। तो यहां पे फिर से वीडियो के स्टार्टिंग में आके ऑडियो पे आ जाना है और जो सॉन्ग मैंने गाइस अपनी वीडियो में गाइस ऐड किया था वही सॉन्ग आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जाके आप कोई भी उस वाले सॉन्ग को डाउनलोड करके आप लगा लीजिएगा। लगाने के बाद में गाइस यहाँ पे मैंने नहीं लगाया क्योंकि गाइस यहाँ पे म्यूजिक प्ले होगा तो गाइस मेरी वॉइस आपको सुनाई नहीं देगा, तो इसलिए आप गाइस लगा सकते हो। तो यहाँ पर गाइस फिर से क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर गाइस वीडियो को लास्ट में चल जाऊँगा क्योंकि गाइस मैंने एग्जाम्पली कुछ ही फोटो सिलेक्ट किया, आप जितनी भी फोटो सिलेक्ट करोगे आगे कर सकते हो। अभी गाइस आपको टैंपलेट पर क्लिक कर देना है, कैंची के निशान पर आ जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेड करके कट कर देना है। इसे कट करने के लिए हमें गाइस यहाँ पर फिर से कैंची के निशान पर आना है और यहाँ पर गाइस क्लिक करके इसे भी कट कर देना है क्योंकि गाइस यहाँ पर देखिए हमारा स्टेटस इतना ही दूर तक है, यानी इतना ही इसका ड्यूरेशन है, इतना तक रखेंगे, बाकी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देंगे। तो फाइनली गाइस जो हमारा स्टेटस है बन चुका है। तो गाइस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना है काइन मास्टर टैंपलेट सॉन्ग जितना भी मैंने यूज किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर गाइस आप डिस्क्रिप्शन से नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो गाइस मैं एक दो घंटे बाद अपने टेलीग्राम पर भी ये सारे मटेरियल को मैं शेयर कर देता हूँ। तो गाइस आप दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना। तो गाइस यहाँ पर क्या करना है, आप सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको फुल एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके फुल एचडी में इस वीडियो को गैलरी में सेव कर देना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।